तो ग्रांट मॉरिसन की महाभारत के पिछले एपिसोड में हमने युधिष्ठिर की रणनीति के बारे में जाना और जाना दुर्योधन का जन्म। हमने देखा कि युधिष्ठिर को क्यों धर्मराज बोला जाता है। अब आज युद्ध के शंख बजने से पहले इतने सारे कमेंट्स के लिए तुम सबको बहुत सारा थैंक यू। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि इतने सारे कमेंट्स के बाद भी यूट्यूब रीच क्यों नहीं देता। खैर कोई बात नहीं, जैसा कि अपने कान्हा जी ने कहा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। पर अगर ऐसे ही तुम सबका प्यार बना रहा तो ये कॉमिक खत्म करके फिर कुछ नया शुरू करेंगे और क्वालिटी भी बढ़ाते रहेंगे हर वीडियो के साथ। तो आज का एपिसोड शुरू होने से पहले तुम्हें मेरे बारे में या चैनल के बारे में या इस वीडियो के बारे में कुछ भी जो भी अच्छा लग रहा है वो लिख सकते हो। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे प्यार से मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। युद्ध का सूर्योदय हो चुका है द्रोण, ये जो खुशबू है हवा में मिट्टी की वो जल्द ही रक्त की महक में बदल जाएगी। ये युद्ध आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हमारा उद्देश्य इस रणभूमि में यशस्वी नहीं होने वाला। भीष्म पितामह ये द्रोण और दुर्योधन से कहते हैं। तभी महर्षि द्रोण दुर्योधन को बताते हैं, मैंने युधिष्ठिर और अर्जुन को युद्ध कला में निपुण बनाया है। आज उनके कवच दैविक आशीर्वाद से परिपूर्ण है। अर्जुन का गांडीव धनुष, वो अस्त्र जिसकी पूरी ताकत मेरे लिए भी रहस्य है और उसको अर्जुन के अलावा और कोई धारण नहीं कर सकता। वहीं भीम का गदा, केवल तुम्हारा गदा दुर्योधन इसकी ताकत का मुकाबला कर सकता है। वो तुम्हारे लिए आएंगे दुर्योधन, तुम्हारी मृत्यु ही इस युद्ध को विनाश से पूर्व खत्म कर सकती है, पर मेरे धनुर्धारी ये नहीं होने देंगे। दूसरे पहर से पूर्व ही उनकी सेना की हजारों लाशें बिछ जाएंगी, पर उनकी शक्ति नहीं टूटेगी, इसका मैं वचन देता हूँ। और अभिमन्यु अर्जुन की संतान, वो किसी भी विषय में नहीं रुकेगा। दुर्योधन बोलता है, बच्चे बड़े जख्मी किसी भी हालत में हमारी सेना रुकनी नहीं चाहिए। जब तक उनकी आत्मा उनके शरीर को ना छोड़ दे तब तक कोई नहीं रुकेगा। और उसकी इस ललकार से युद्ध के शंख बजने लगते हैं। हर तरफ बस शंखों की ही आवाज थी, वो दूर दूर से सुनाई दिए जा सकते हैं। परंतु अर्जुन सोच में था और वो कृष्णा को रथ एक तरफ अकेले में ले जाने को बोलता है। कृष्णा उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि रणभूमि को छोड़कर मत जाओ, वो भी जब शत्रु उनके समक्ष खड़ा है। पर अर्जुन नहीं मानता और युद्ध से थोड़ा दूर जाने पर अर्जुन बोलता है, भगवान कृष्ण, जो जीव संहार मैं करने जा रहा हूँ उसका परिणाम अत्यंत बुरा होगा, ना सिर्फ मेरे लिए पर आने वाले कई वंशों के लिए। तो मुझे देवों से आशीर्वाद लेना ही होगा। और वो आसमान की तरफ देखता हुआ बोलता है, दुर्गा माँ, मैं तुम्हारे आगे नतमस्तक होता हूँ, मुझे विजय का पथ दिखाइए और मेरे शत्रुओं पर प्रहार करने की शक्ति दीजिए। अर्जुन के वचनों से रक्त की वर्षा होने लगती है। सबके हृदय में एक भय जाग जाता है कि अर्जुन को देवों का आशीर्वाद मिल चुका है। वो रक्त जैसे ही धरती को छू रहा था लाल फूलों में बदल जा रहा था और उसकी प्रार्थना के बाद वर्षा खत्म हो जाती है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उन लोगों की तरफ देखो अर्जुन, इतने लोग इस तीसरे युग के अंत में अपना नाम लिखवाने आए हैं, वो मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं, तो तुम इस महायुद्ध में उनका हक नहीं छीन सकते। अपने धनुष से तीर चला के युद्ध को प्रारंभ करो। अर्जुन बोलता है कि पर ये सब मेरे साथी हैं, मेरा परिवार है, मेरे गुरु जिन्होंने मुझे ये कला सिखाई, मेरे जीवन को एक सार दिया। कोई योद्धा कैसे ऐसे वैभवशाली महापुरुषों को मार सकता है? ये अत्यंत जटिल है भगवान कृष्ण, इसका दायित्व कौन लेगा? कृष्ण अर्जुन का हाथ थाम कर बोलते हैं, अर्जुन ये तीसरे युग का आखिरी महायुद्ध है, कलयुग जो आने वाला है उसकी शुरुआत है। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, एक योद्धा जो युद्ध कला के साथ बड़ा हुआ है। मेरे नयन में देखो अर्जुन, आंखों को अंधा कर देने वाली एक रोशनी पूरी रणभूमि पर बिखर जाती है। अर्जुन को वो दिखाई देता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन को दर्शन देता है और वो बोलते हैं, अर्जुन जो तुम देख रहे हो वो समय के साथ तुम समझ जाओगे, पर अभी तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा रणभूमि से कभी नहीं भागता। अर्जुन अपना धनुष उठाता है और श्री कृष्ण उसे वापस अपनी जगह पर ले आते हैं और उसके धनुष से निकले बाण से युद्ध की शुरुआत होती है। दोनों तरफ से रथ, सेना, विमान एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। कौरवों के 12 सबसे परम धनुर्धारी अपने बाण हवा में चलाते हैं और लाशें बिछा देती हैं। उधर भीम का गदा प्रहार पर प्रहार कर रहा था। कौरवों के राक्षस भीम को अपने सामने पाकर भय से हिल भी नहीं पाते।
कौरवों के धनुर्धारी बाणों की वर्षा किए जा रहे थे, पर भीम किसी के भी बस में नहीं आ रहा था। तो भीम सेना लांघकर दुर्योधन तक पहुंचे, उससे पहले वो अपने बाणों से रणभूमि में आग की रेखा खींच देते हैं। भीम उस आग को भी लांघ जाता है और उसका भय उन धनुर्धारियों पर भी चढ़ जाता है। भीम वो शक्ति थी जिसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था। नकुल, सहदेव और भीम उन 12 परम धनुर्धारियों को समाप्त कर देते हैं और भीम दुर्योधन के सामने अपना गदा लेकर खड़ा होता है। अपने वचन को पूरा करने पर युद्ध अभी शुरू ही हुआ था। अब एक वाणी अर्जुन की, वो बताता है, रणनीति युद्ध नहीं जीतती, अस्त्र युद्ध नहीं जीतते, सेना युद्ध नहीं जीतती, युद्ध जीतते हैं तो वो हैं लड़ने वाले लोग। पर दुर्योधन को ये एहसास होने में देर हो गई। मैंने सोचा था कि मेरा भ्राता कृष्ण युद्ध में भाग नहीं लेगा या फिर अपने आप हमारी तरफ हो लेगा, पर जब मुझे पता चला कि मुझे कृष्ण के पास जाना पड़ेगा संधि के लिए और दुर्योधन पहले ही अपनी राह पर था, तो मैं जल्दी से अपना धनुष लेकर इस यात्रा पर निकला। ये युद्ध अलग था, यहाँ मैं अपने गुरु अपने साथी योद्धाओं के विरुद्ध लड़ने वाला था, पर मैं कृष्ण को अपने सामने देखने को तैयार नहीं था और मैं जल्द से जल्द द्वारका पहुंचा। वहां मैंने देखा नारायणी सेना को, कृष्ण की अपनी सबसे शक्तिशाली सेना। वो कभी कोई युद्ध नहीं हारे, पर कृष्ण ने कभी उन्हें ज्यादा युद्ध लड़ने का मौका ही नहीं दिया। पर दुर्योधन वही था तो मुझे अपने कर्तव्य पर ध्यान देना था। कृष्ण अपने योगा कक्ष में थे, ब्रह्मांड की कई रहस्यों में खोए हुए। दुर्योधन ने अपना स्थान ग्रहण किया कृष्ण के सर की ओर, क्योंकि वो एक राजा था, और मैंने अपना स्थान ग्रहण किया कृष्ण के पैरों में, क्योंकि मैं आज कुछ मांगने आया था। भगवान कृष्ण बोलते हैं, एक जीवन किसी भी युद्ध और मनसा से आजाद उन लोगों द्वारा अपनाया जाता है जो महान जवाबों की खोज में होते हैं, पर मैं वो नहीं हूँ। तो दुर्योधन और अर्जुन, दुर्योधन कृष्ण की बात को आधे में ही काटते हुए बोलता है कि आप जानते हैं कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं, हमें कौन से जवाब चाहिए, पर मैं यहाँ पहले आया था तो आपको मुझे सुनना ही होगा। कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम्हें पता ही है कि मुझे क्या करना ही होगा तो तुम इतनी दूर क्यों ही आए हो, अब अगर हमें काम से ही मतलब रखना है तो चलो उसी पे विचार विमर्श करते हैं। मैं रक्त और कर्तव्यों के चलते अर्जुन और सिंहासन दोनों से बंधा हुआ हूँ। मैं एक को मेरी नारायणी सेना दे सकता हूँ और एक के लिए खुद को समर्पित कर सकता हूँ। दुर्योधन खुश होकर बोलता है कि मुझे पता है कृष्ण, आप अपने आप में किसी सेना से सर्वोपरि हैं, तो मैं आपको चुनता हूँ। कृष्णा बोलते हैं, मेरे शब्द पूरे नहीं हुए, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं अपने आप को बस एक मित्र, एक भ्राता, एक सारथी की तरह ही समर्पित कर सकता हूँ। दुर्योधन जल्दी से अपने शब्द बदलकर नारायणी सेना की मांग करता है, पर अर्जुन अपने हृदय से बस श्री कृष्ण का साथ मांगता है और दुर्योधन अर्जुन की आने वाली हार का मजाक बनाता है और कृष्ण से नारायणी सेना लेकर चला जाता है। अब अर्जुन की वाणी, नारायणी सेना कभी किसी युद्ध को हारी नहीं है, उनकी शक्ति कहीं ज्यादा है, पर दुर्योधन ने वो नहीं देखा जो मैं जानता हूँ। कृष्ण को हमें शक्ति देने के लिए युद्ध में लड़ने की जरूरत भी नहीं, हमारी सेना की संख्या चाहे कम हो पर भगवान कृष्ण के वहाँ मौजूद होने से ही उनके अंदर श्रद्धा और शक्ति है। वो जीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अगर हम इस युद्ध में विजयी होते हैं तो वो हम होंगे धर्म की वजह से, और जो शक्ति धर्म हमें प्रदान करता है वो इन हजारों सेना से कहीं ज्यादा है। और अर्जुन इसी के साथ बाणों की बारिश करने को तैयार होता है। उधर भीष्म पितामह सोचते हैं, आयु बुद्धि को बढ़ा देती है, इस गणित से तो मैं सबसे बुद्धिशाली हुआ, परंतु कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। ये सेना मुझे देखकर प्रेरणा लेती है, पर अगर युद्ध धर्म की तरफ से लड़ा जाए तो प्रेरित होना आसान होता है। ये रक्त स्नान मेरे दोस्त का नतीजा है, ये अंत है एक कहानी का, मेरी कहानी का। अगर कोई व्यक्ति मेरे जितना जिया है तो वो जानेगा इस संसार में हुए सारे दुष्कर्मों को। मेरे पिता शांतनु ने जब गंगा एक देवी को सामने पाया तो उसके अंदर प्रेम के अलावा कोई भावना नहीं थी, और देवी गंगा ने भी उनकी ओर उसी नजर से देखा और उनसे वचन लिया कि वो कभी भी देवी के किसी भी फैसले पर संदेह नहीं करेंगे, वरना वो देवी को हमेशा के लिए खो देंगे। और पिता शांतनु ने हाँ बोला, और जब देवी गंगा ने अपने 7 श्रापित बच्चों को मार दिया तो पिताश्री ने कुछ नहीं बोला, परंतु वो ये हमेशा
सहन नहीं कर सकते थे। उन्हें उत्तराधिकारी भी चाहिए था। तो जब उनके आठवें बच्चे का जन्म हुआ तो उन्होंने देवी को उसे मारने से मना कर दिया और इस तरह मेरे जीवन की रक्षा में उन्होंने देवी को खो दिया। गंगा मुझे उसके साथ ले गई और वचन दिया कि वो उसके पुत्र को एक दिन वापस उसे लौटा देंगी। गंगा माता ने मुझे बताया कि वो बच्चे उनकी संतान नहीं पर अर्ध भगवान थे, एक श्राप से बंधे हुए, और देवी से ही मैंने सीखा कि कर्तव्य से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये नियम मेरी कई सफलताओं और कई पश्चातापों का कारण है। मेरी माता ने मुझे बहुत प्रेम दिया। मेरे गुरु देवों और असुरों के गुरु थे, पर मैंने मेरे एक ही गुरु को सबसे ज्यादा प्रेम किया और उन्हीं से सबसे ज्यादा भयभीत था। वो थे महागुरु परशुराम। परशुराम सबसे महान योद्धा थे, वो ईश्वर समान थे। वो मेरे वो पिता थे जिनको मैंने तब नहीं जाना था। मैं उनका अकेला विद्यार्थी था जिसको उन्होंने सब कुछ सिखाया, जो कुछ भी उन्हें आता था। पर जब मैं अपने पिता के पास पहुंचा, समय नदी की तरह बह चुका था। शांतनु अब सत्यवती एक मछुआरे की बेटी का पति था। वो प्रेम में थे और मुझे सिंहासन देना मतलब सत्यवती को खोना था। उसकी खुशी उससे सालों पहले छीनी जा चुकी थी और मैं ये दोबारा नहीं कर सकता था। तो मैंने सिंहासन ठुकरा दिया, आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लिया और उस सिंहासन की रक्षा करने का वचन लिया, और इसीलिए मुझे भीष्म नाम मिला, वो जिसने एक भयानक प्रतिज्ञा ले ली। मेरी माता एक नदी की देवी है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना मनुष्य हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं नश्वर हूँ, पर देवों ने मेरी प्रतिज्ञा को देखते हुए मुझे आशीर्वाद दिया है कि मैं अपनी मौत का समय चयन कर सकता हूँ। भीष्म पितामह अपने बाणों से लाशें बिछाते हुए बोलते हैं, पर वो समय आज नहीं है। पर जब मैं इन बच्चों को मरते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे अपनी मौत को सालों पहले स्वीकार कर लेना चाहिए था। मैंने उनका पूरा जीवन अपने चक्षुओं के सामने देखा है और अब मैं ही उनकी मौत का कारण बन रहा हूँ। कईयों ने मुझे बताया कि मेरी प्रतिज्ञा एक गलती थी, मेरे राज में ये जगह और समृद्ध हो सकती थी। पर हर युग के अपने महापुरुष होते हैं जो धर्म का साथ नहीं छोड़ते, और यहाँ वो पांडव हैं और इनको देखकर मुझे अपनी प्रतिज्ञा पर कोई पश्चाताप नहीं होता। एक युग को बचाने के लिए भीष्म को मरना पड़ेगा। देवों की भावना भी अपरंपार है, पर जब नया सवेरा होगा तब मैं क्या जवाब दूंगा। भीष्म जो जीवन के लिए डटा रहा, क्या आने वाला युग मुझे इन महापुरुषों के साथ याद करेगा? एक भीष्म जिसने अपनी प्रतिज्ञा निभाई, या वो मुझे एक मूर्ख की तरह याद करेंगे जो धर्म के विरुद्ध लड़ा अपनी प्रतिज्ञा के नाम पर? पर आज नहीं, ये जवान योद्धा क्या सोचते हैं कि ये मेरे होते हुए रणभूमि को अपना बना लेंगे? और दुर्योधन को बचाते हुए भीष्म युद्ध के मैदान में कूद जाते हैं। तो गाइस, अभी तो ये युद्ध बहुत लंबा चलेगा, तो कमेंट में एपिसोड 4 जरूर लिख देना। इस कॉमिक का अंत जरूर होना चाहिए इस चैनल पे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में।